आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पंजी चॉकलेट केक की रेसिपी। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है। हम इसको बिना ओवन और बिना अंडे का बनाएंगे और फिर भी ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनके तैयार हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ज़रूर देखिएगा और इसी तरीके से आप बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी केक घर में बना सकते हैं बिना ओवन के। और भी नई नई रेसिपीज़ के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आता रहे। और ये बिल्कुल ही फ्री है। ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को शेयर कीजिएगा। अगर आप किसी भी तरीके का सॉफ्ट केक बनाना चाहते हैं कि केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बने, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है मीजरिंग, यानी कि नापना। आप उसको किस तरीके से नाप रहे हो वो बिल्कुल सही होना चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पर मीजरिंग कप का यूज़ किया है, जिस पर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर सारी चीज़ें नोटिस होती हैं, एक कप, हाफ कप एंड 1/4 कप, इस तरीके से सारी चीज़ें इसके ऊपर लिखी हुई होती हैं, जिससे कि नापने में कोई भी गड़बड़ी ना हो। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं या फिर बर्तनों की शॉप से भी आप इसको ले सकते हैं, इजीली मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस तरीके की जो टी कप्स आती हैं इससे भी नाप सकते हैं और नॉर्मल जो चम्मच आती है उससे भी नाप सकते हैं। बस ध्यान रहे कि सारी चीज़ें आप इसी कप से और चम्मच से ही नापें, एक ही कप से। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ले लेना है एक बड़ा सा बाउल, और बाउल बड़ा है जिसमें सारी चीज़ें अच्छे से घोल सकें। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप के करीब में पिसी हुई चीनी। चीनी को मैंने बहुत ही बारीक ग्राइंडर में ग्राइंड करके लिया है और इसको हम 1 कप इस तरीके से नाप करके लिए हैं और इसको हम डाल देते हैं बाउल के अंदर। साथ ही हम इसमें डालेंगे सेम उसी कप से नाप कर 1 कप दूध। दूध मैंने गुनगुना गर्म नहीं लिया है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर लिया है। आप फ्रिज का भी ठंडा दूध ना डालें, सिर्फ 1 कप दूध हम इसमें नॉर्मल टेम्परेचर वाला डाल देंगे। सेम उसी कप से नाप कर हम यहाँ पर 1/2 कप तेल डालेंगे, या फिर आप मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं। अगर आप तेल डाल रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इसमें बहुत खुशबू ना हो, नहीं तो केक तेल की खुशबू से भर जाएगा। अब हम इनको हल्का सा मिला लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। अगर आपके पास है तो डालें या फिर स्किप कर ले। 1/2 छोटी चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला एसेंस, कोई भी एसेंस डाल सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ विनेगर, मैंने यहाँ पर वाइट विनेगर लिया है, आप कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं। और ये मैंने 1 बड़ा चम्मच डाल दिया है। विनेगर की जगह पे आप नींबू का रस भी 1 चम्मच डाल सकते हैं, बस नींबू के रस को छान के डालना है। तो मैं इसमें डाल देती हूँ। ध्यान रहे हमें वाइट विनेगर का ही यूज़ करना है, एप्पल साइडर या कोई और विनेगर का यूज़ नहीं करना है। अब हम इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी चीनी डाली थी और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ, और 5 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और हम इनको फिर से एक बार हल्के हाथों से मिला लेंगे। और अब हम इसमें डाले हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले इनको मिलाने के बाद इसके ऊपर रखेंगे छन्नी, कोई भी छन्नी लेनी है, आप नॉर्मल आटा छानने वाली भी छन्नी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर छन्नी को इसके ऊपर रख लिया है और इसमें डाल देंगे 1.5 कप मैदा। आप मैदे की जगह पे गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन उसको बढ़िया से हमें छान कर ही लेना है, बिल्कुल उसमें फाइबर नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। आप इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों का मीजरिंग जो है वो ध्यान में रख के लें। यहाँ पर मैं 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा का यूज़ करेंगे। तो हमने बेकिंग पाउडर डाल दिया है, अब मैं यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। ये देखिए हम यहाँ पर चॉकलेट केक बना रहे हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 टेबल स्पून कोको पाउडर। कोको पाउडर आप अच्छी क्वालिटी का लें, जिससे कि आपका जो केक बनेगा उसका कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी बढ़िया आएगा। तो कोको पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। अगर आप चॉकलेट केक नहीं बना रहे हैं तो कोको पाउडर को हटा दें और बाकी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से छान लेना है। छाना बहुत ही ज़रूरी है, आप बिना छाने इसको नहीं डालना है, जिससे कि जो केक बनेगा उसमें सॉफ्टनेस आएगी। तो हम इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। मिलाने का तरीका भी आप ध्यान में रखें कि हम इसको सेम डायरेक्शन में मिलाएंगे, जिस भी तरीके से आप मिला रहे हो बस ध्यान रहे कि एक ही तरफ हम इनको घुमाएंगे। तो मैं इनको इस तरीके से घुमा रही हूँ, आप देख सकते हैं। धीरे धीरे हम इनको सारी जो मिक्सचर है उसको अच्छे से घोल लेंगे। मिक्सचर अभी गाढ़ा है तो हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दूध, जिससे कि जो टेक्सचर है वो एडजस्ट हो जाए।
हम इसका जो टेक्सचर है वो बहुत गाढ़ा नहीं रखना है पकोड़े जैसा, थोड़ा सा पतला रखेंगे। तो 2 टेबलस्पून दूध डालकर मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है और इसको मिला लेंगे। हमने इनको अच्छे से मिला लिया है और बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है बेक करने के लिए। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अगर आपको गाढ़ा लग रहा होगा तो आप इसमें मिल्क डाल करके इसी तरीके की कंसिस्टेंसी लाने की कोशिश कीजिए और उसको हल्का सा फेंट लीजिए। बैटर को ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरीके से फ्लोइंग होना चाहिए, हल्का सा। बहुत गाढ़ा भी हमें नहीं लेना है, नहीं तो आपका केक सॉफ्ट नहीं बनेगा। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर एक केक टिन को ले लिया है और अब हम इसको हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। आप अगर केक टिन आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल जो घर में टिफ़िन होती है गोल वाली, वो उसमें भी बना सकते हैं या फिर सॉस पैन में भी बना सकते हैं, जो आपके कुकर या कढ़ाई में ईजिली आ जाए उसमें भी आप बना सकते हैं। तो हम इसको अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं ऑयल या बटर लगा करके। आप चाहे तो बटर पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं। इनको ग्रीस करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा मैदा डाल लेंगे, या फिर आप गेहूं का आटा यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, और इनको अच्छे तरीके से फैला लें। जहाँ पर भी हमने ऑयल से ग्रीस किया है वहाँ पर मैदे को लगाना ज़रूरी है, जिससे कि आपका केक जलेगा नहीं और अच्छे से इवेंली कुक होगा और वो पैन से चिपकेगा भी नहीं। तो हम जो एक्स्ट्रा मैदा बच गया है उसको हम निकालेंगे। तो अब हम इस बैटर को केक टिन में डाल देंगे और आप कंसिस्टेंसी इसकी देख सकते हैं। हम इसको डाल देते हैं। हल्का सा टैप कर लेंगे जिससे कि जो एयर बबल्स हों वो निकल जाए। और अब हम इसको कढ़ाई में बनाने वाले हैं। तो यह मैंने यहाँ पर स्टील की कढ़ाई ली है, इसलिए हम इसके ऊपर नमक डाल रहे हैं। और ये नमक मैंने पहले पिज़्ज़ा बनाने में और लादी पाव बनाने में भी यूज़ कर लिया है, आप इसको कई बार यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप नमक डाल दिया है। अगर आप एल्यूमिनियम का बर्तन ले रहे हैं तो नमक डालने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसको हम अच्छे तरीके से फैला लेंगे। ज़्यादा नमक डालने से आपका जो बर्तन है वो जलेगा नहीं। तो नमक डालने के बाद हम इसको अच्छे से ढक्कन लगाकर बंद कर देंगे और प्री हीट होने देंगे मीडियम फ्लेम पे। 5 मिनट के बाद ये अच्छे से गर्म हो गया है। तो हमने एक कटोरी रख दी है इसके अंदर। आप चाहे तो नॉर्मल जाली वाली स्टैंड भी रख सकते हैं, लेकिन कटोरी से थोड़ी ऊंचाई पर रहता है जिससे कि हीट इवेनली डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये अच्छे से कुक होता है। तो हमने यहाँ पर केक का जो टिन है वो रख दिया है और इसको ढक्कन लगा करके हम इसको 40 मिनट के लिए कुक करना है। और फ्लेम को हमें स्लो से मीडियम के बीच में रखना है और 40 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से फूल गया है ये। आप इसको टूथपिक या फिर नाइफ की मदद से भी चेक कर सकते हैं अच्छे से कुक हो या नहीं। तो बीच में हम डाल के देखेंगे। ये देखिए बिल्कुल क्लीन निकला है, ये बढ़िया से कुक हो गए हैं। तो अब हम इसको निकाल करके ठंडा होने देंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे। पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद ही हम इसको बाहर निकालेंगे टिन से, नहीं तो अगर बीच में निकालेंगे तो आपका जो केक है वो बिखर जाएगा और टूट जाएगा। इसके लिए अब हम किनारे इनके चाकू की मदद से छुड़ा लेते हैं और इसको हम और किसी भी प्लेट या फिर ट्रे में इस तरीके से उलट करके हम इसको हल्का सा टैप कर लेंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया से कुक हुआ है ये, और बहुत ही हल्का और बहुत ही सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। आप इसको प्लास्टिक सीट से रैप करके फ्रिज में रख लें और जब आपको सर्व करना हो आप इसे डेकोरेट करें और सर्व करें। मैं आपको डेकोरेट करने की भी रेसिपी आने वाली वीडियोज़ में शेयर कर दूँगी। कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखा आपने कि कितना इजी तरीके से बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी केक हमारा बनकर तैयार हो गया है। मैं आपको इसे काट के दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट है ये। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है और बिल्कुल कलर भी अच्छा आया है। अगर आप ऐसी ही रेसिपीज यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देखना चाहते हैं तो इनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाकर के मुझे फॉलो ज़रूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।